अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम लोग जा रहे हैं ट्रैम का मज़ा लेने के लिए। हम लोग को पता चला है कि ट्रैम स्टार्ट हुई है दोहा में। आई डोंट नो कब से स्टार्ट हुई है, पर अभी स्टार्ट हुई है। तो फिर मेट्रो से हम लोग जाएंगे। तो ये मैं मेट्रो की बस में हूँ अभी, और मेट्रो स्टेशन पहुँचने में बस 10 मिनट लगता है। तो मेट्रो से कैसे जाना है वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूँगी, तो मेरे साथ आगे तक वीडियोस में ज़रूर बने रहना। हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए थे, और यहाँ से मेट्रो लेकर हम लोग मुशरिफ जाएंगे। मुशरिफ जो है बहुत बड़ा जंक्शन है, एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड जंक्शन है, स्टेशन है वो। तो आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो कितना बड़ा स्टेशन है। तो ये तीनों लाइन में पड़ता है। यहाँ पे 3 लाइन है, गोल्ड और येलो ग्रीन, ये तीनों लाइन में मुशरिफ पड़ता है, क्योंकि ये वो मेन जंक्शन बनाया गया है। तो हमें मुशरिफ में उतरना है, और वहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे जाना है। तो वीडियो आगे तक ज़रूर देखना। हम लोग जो है मुशरिफ स्टेशन पहुंच गए थे, और यहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग था, नहीं पता चल रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंक्शन है। तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से एग्ज़िट लेना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमको जो है -1 पे जाना है। -1 से ही हमें एग्ज़िट लेके लेंगे तो हमको ट्रैम का रास्ता मिलता है। तो वो आ गया, मैं आपको बताऊँगी। हम लोग ने रॉन्ग वे लिया था, तो यहीं से हमने एग्ज़िट किया, और फिर वहाँ फिर हमको -1 पर जाना पड़ा था। तो यहाँ से लिफ्ट से -1 पे आने के बाद जब हम लेफ्ट राइट लेते हैं, तो आगे ही हमको साइन बोर्ड दिख जाता है डाउनटाउन दोहा मुशरिफ का। तो वही साइन बोर्ड को फॉलो करके बिल्कुल सिद्रा के अपोजिट में है, राइट लेंगे तो हमें जो है आगे का एग्ज़िट का रास्ता मिलता है। तो वो एग्ज़िट लेके हमें ट्रैम से बिल्कुल ट्रैम के पास हम चले पहुंच जाते हैं। तो वैसे हम लोग ने ये जो दो आपको गेट दिख रहे हैं सिल्वर वाले, वहीं से एग्ज़िट लेना है हमको। तो ये एग्ज़िट था, यहाँ से हमने ये डोर से एग्ज़िट लिया था, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद लेफ़्ट लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ से स्टेशन मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट लेते हैं, तो सीधा हमने लेफ़्ट ले लेना है वही स्टेशन से। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि ये पूरा जो है ट्रैम सिटी बना रहा है, अभी तक कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको अगर यहाँ पे जाना है सुकवाकिफ, तो मेट्रो से भी हम जा सकते हैं। और अगर हमको मेट्रो, ट्रैम और सुकवाकिफ तीनों का इंजॉय करना है, तो हाँ, ये हमारे लिए बिल्कुल कम्प्लीटली एकदम अच्छा पैकेज है कि हम पहले मेट्रो से मुशरिफ आए, मुशरिफ से मुशरिफ वादी स्टेशन से, हमको बस 2 स्टेशन हैं सुकवाकिफ, और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। आप देख सकते हो कितने अच्छा व्यू लग रहा था, बिल्कुल ऐसा अलग ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग पता नहीं कौन सी कंट्री में हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत मज़ा आया। और आप लोग भी ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत अच्छा है। तभी हम लोग कहाँ पे, मुशरिफ में ना, मुशरिफ स्टेशन पर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। ट्रैम आती है पर आ रही नहीं अब तक, पता नहीं कब आती है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कब आती है। अभी हम लोगों को भी पता नहीं है कि कहाँ से आती है, कहाँ पर जाती है और क्या है, पर यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी एक बार आप आके देख लेना यहाँ पे, इंजॉय करने के हिसाब से, मतलब घूमने के हिसाब से अच्छा है। तो यहाँ से आ रही है ट्रैम, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे भी एतराज़ को शो करके, एतराज़ ऐप शो करके ही हमें टेम्परेचर चेक करने के बाद ही एंटर होता है। ना।
तो मैं आपको ट्रम अंदर से भी दिखा देती हूँ। तो ये ट्रैम पे, और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सीट्स को इस तरीके से फ़िलहाल के लिए कवर कर दिया गया था COVID-19 की वजह से। तो इस तरीके से कवर किया गया था कि हम बैठ ही नहीं सकते थे, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइकिल्स के भी पार्किंग लगी हुई थी, हर जगह गार्ड्स थे, और क्रॉसिंग के टाइम पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इस वजह से, इसको भी ध्यान में रखते हुए हर जगह गार्ड्स को खड़ा किया गया था यहाँ। और सिग्नल्स भी थे, और व्यू तो आप देख सकते हो, इतना प्यारा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। और कंस्ट्रक्शन अभी भी चल ही रहा है, और शायद इससे अच्छा और कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हर जगह छोटे छोटे से फाउंटेन्स थे, बहुत प्यारा लग रहा था। क्योंकि ये एक यहाँ पे पूरा होटल भी है, होटल है और रेस्टोरेंट्स है, तो इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया था। और आप देख सकते हो कि सुपा किफ का नेशनल इस्लामिक म्यूज़ियम आप देख सकते हो वहाँ पर। तो स्टेशन आ गया था सुपा किफ स्टेशन, हम लोग यहाँ पे उतर गए थे। और यहाँ से राइट लेने के बाद हम सीधा चलेंगे, एक रोड क्रॉस करने के बाद हम सीधा सुपा किफ पहुँच जाते हैं। और सामने ही आपको नेशनल म्यूज़ियम, इस्लामिक नेशनल म्यूज़ियम दिख रहा होगा। तो बस हम पहुंच गए थे सुख वाकिफ़, और उसका भी मैं सुख वाकिफ़ का भी थोड़ा सा लुक आपको बता देती हूँ। वो थोड़ा सा सुख वाकिफ़ भी घूम लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हम सुकून वाकिफ़ में एंटर कर चुके हैं, और ये मैं आपको पूरा एक लुक दिखा रही हूँ सुख वाकिफ़ का। और यहाँ पे सामने जो है बिल्डिंग है, इस पे कुछ लिखा हुआ था जो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अरबी में कुछ लिखा हुआ था जो नहीं समझ में आ रहा था मुझे कि लिखा हुआ एक्चुअल में है क्या। उसके ही साइड में मस्जिद थी, और मस्जिद बहुत प्यारी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी मस्जिद। तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बीच रोड के बीचों बीच में मस्जिद है, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और इसका लुक जो है ये सुख वाकिफ़ का एकदम बिल्कुल पुराने टाइप के जो मार्केट्स होते थे उसको ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया था। तो बहुत अच्छा लगता है आप कभी भी यहाँ पर जाओगे तो। और अंदर हमको रेस्टोरेंट्स और बारबेक्यू वाले बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, शॉपिंग के लिए कपड़े और दूसरे पुराने टाइप के जो ट्रेडिशनल सामान होते हैं वो सब है। इस तरीके से देखो कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, रेस्टोरेंट को भी वैसा ही लुक दिया है कि हम एक पुराने ज़माने में चले गए हैं। उस तरीके का ही हमें बिल्कुल फीलिंग आती है। तो अगर आपने अर्तुगरुल देखा होगा तो आपको भी वैसी ही फीलिंग आएगी, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है कि मैं अर्तुगरुल के कोई एक मार्केट में आ गई हूँ। क्योंकि अंदर चमड़ों के सामान मिलते हैं, और इस तरीके से देखो हॉर्स पे जो है पुलिस भी जाती है ताकि हमको पूरा कंप्लीट पुराने ज़माने वाली फीलिंग आए, इसलिए ऐसा पूरा उसको लुक दिया गया है। और ये कतर का जो है नेशनल एनिमल है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और ये रही ट्रैम, और हमारा ट्रैम का एक्सपीरियंस तो बहुत सुपर डुपर था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और हमको बहुत मज़ा आया। आज का जो दिन था बहुत अच्छा गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप भी ज़रूर एक्सपीरियंस करना ट्रैम का, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, वो सबको लेकर जाना और इन्जॉय करना, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। और ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो अपना बहुत, तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर आएगी, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। तो लास्ट में मैं आपको मेट्रो का ये स्टेशन मुशरिफ वाला दिखा देती हूँ कि ये कितना बड़ा स्टेशन है, कितना बड़ा जंक्शन है। तो जिस तरीके से ये एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, तो ये देखिए इस तरीका, ये बस मैंने आपको ज़रा सा दिखाया है कि इतना बड़ा ये है, इससे 3 फ्लोर है इसके, तो इतना ही बड़ा 3 फ्लोर है। तो बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।